कन्या राशि वालों नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी और भयंकर घटना होने वाली है। कल से आप अपने जीवन में एक छोटा सा काम याद करके कर दीजिएगा, नहीं तो दोस्तों इस सावन के महीने में आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दोगे और यह गलत ही आपके जीवन भर पछताओगे। इसलिए आज के इस वीडियो को भूल कर भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों कल से आप सभी की कुंडली का सबसे बड़ा समय शुरू होने वाला है। आप सभी का कुंडली साथ में आसमान पर जाने वाला है दोस्तों, और इसके साथ साथ आपके भाग्य को भी लेकर जाएगा, जिसके कारण आपका भाग्य का रफ्तार बढ़ाने वाला है। अब आपका जीवन काल से पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहेगा जैसा आपने सोचा है, उनसे हजार गुना ज्यादा आपका जीवन अच्छा होने वाला है। परंतु कल से इस बात का ध्यान रखें, किसी भी दिन जब आपको समय मिले तब मंदिर के पेटी में डाल आना यह 1 रुपए की यह छोटी सी चीज। उसके बाद आप देखना कि माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु आपके ऊपर इतने मेहरबान होंगे कि आपके घर में रुपए पैसे रखने की जगह कम पड़ जाएगी। आपको इतनी धन दौलत मिलेगी कि आप उसे संभाल ही नहीं पाएंगे। दुनिया का हर एक सुख आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, जैसे कि कर्जे की समस्या, कोई पुरानी बीमारी है या फिर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो वह परेशानी भी आपकी दूर हो जाएगी। आपका पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा और सबका प्रेम आपको मिलने लगेगा। अब यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उसका प्रेम चाहते हैं, तो वह भी आपके प्रेम में पागल हो जाएगा और आपके आगे पीछे घूमने लगेगा। मित्रों इस एक उपाय में इतनी अधिक शक्ति है कि यह आपके जीवन की हर एक मनोकामना को बड़ी आसानी से पूरा कर सकता है। मित्रों जैसा कि समय आपके जीवन काल में चल रहा है, जो परिस्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, उनका हमें बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, और ऐसे में आपके लिए यह वीडियो किसी रामबाण इलाज से कम नहीं है। और आज बिल्कुल सही समय पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। यह वीडियो आपकी सोई किस्मत को जगा देगा, आपके भाग्य को हीरे की तरह चमका देगा। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि आज आप अपने जीवन में प्रतिदिन परेशानियां झेल रहे हैं, रोज कोई ना कोई नई समस्या आपके जीवन में आ जाती है। कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो लंबे समय से आपको परेशान करती चली आ रही हैं, फिर चाहे कर्जे को लेकर परेशानी हो या कोई बीमारी चल रही हो, या फिर धन दौलत रुपए पैसे को लेकर परेशानियां चल रही हो, आप चाहे कितना ही पैसा क्यों ना कमा रहे हो, फिर भी आप 1-1 रुपए के लिए तरसते हो। आपका परिवार छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी परेशान रहता है, और आप जब अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं, तो आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त पैसा ही नहीं होता है। इसी वजह से आप दुखी हो जाते हो। आप दूसरों की जिंदगी देखते हो, लोग आपके सामने ही देखते देखते ही तरक्की कर जाते हैं और सारी सुख सुविधाएं जीवन की भोग रहे होते हैं, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे होते हो। तो मित्रों अब बहुत हो गया, अब हर परेशानी का अंत होना चाहिए। अब हम आपको और तकलीफों में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आपके लिए यह बेहद ही शक्तिशाली और जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले वीडियो को लेकर आए हैं। आपको बस इस उपाय को एक बार कर लेना है, फिर आप खुद देखेंगे कि आपकी जिंदगी इस धरती पर ही स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगी। फिर आप जो भी कुछ चाहोगे सब कुछ आपकी की किस्मत खुद आपको लाकर देगी। फिर चाहे धन दौलत हो, बंगला गाड़ी, किसी का सच्चा प्रेम या फिर संतान का सुख, जो भी कुछ आप चाहते हो सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर एक सुख आप भी भोग रहे होंगे और आप भी भाग्यशाली इंसान बन जाओगे। मित्रों आप जानते हैं कि केवल अंधविश्वास फैलाना हमारा काम नहीं है। हम जो भी उपाय, जो भी विधियां और क्रिया आपको बताती हैं, वे पूर्ण रूप से वैदिक होती हैं, शास्त्रीय पद्धतियों पर आधार होती हैं और ज्योतिषीय आंकलन के आधार पर बताते हैं। हमारे द्वारा बताई गई कई विधियों से लोगों ने अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बनाया है। लाखों करोड़ों का कर्जा अगर लोगों का था, तो वह भी हमारे द्वारा बताए गए विशेष टकेश्वर महादेव उपाय से दूर हो चुका है। इसी तरह जो गले में पहनने वाला ताबीज और पायराइट के मोती वाला उपाय हमने बताया था, उसका भी लोगों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है।
लोग खुद हमसे कमेंट करके कहते हैं कि गुरुजी पैसा तो ऐसे आ रहा है जैसे कि माता लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में प्रवेश कर चुकी हैं और हमारे शत्रु भी अपने आप ही हमारा पीछा छोड़कर भाग चुके हैं। अब फिर चाहे वह कलाई पर कुछ बांधने वाला उपाय हो या मंदिर में जाकर कुछ दान कर देने वाला उपाय हो, अब फिर चाहे पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद को शांत करने के लिए विशेष गौरी शंकर उपाय हो, जितने भी उपाय हमने अब तक दिए हैं लोगों को इसका बहुत भारी लाभ प्राप्त हो रहा है और लोग हमें बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो उपाय बताते हैं वे न केवल पूर्ण रूप से ज्योतिषीय गणना हो और वैदिक पद्धति पर आधारित होते हैं, साथ ही साथ हम उन उपायों के साथ माँ भद्रकाली की कृपा भी आप तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करते हैं, यानी उस उपाय के साथ हमारी साधनाएं भी जुड़ी रहती हैं, इसलिए इन उपायों का बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अब ऐसे में यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस उपाय का बल इतना अधिक है कि इसे आपने सच्चे मन के साथ यदि कर लिया तो यह आपकी हर एक मनोकामना को कुछ ही दिनों में पूरी करने की क्षमता रखता है। बस आपको करना यह होगा कि इस एक छोटी सी चीज को मंदिर के दान पात्र में डालकर आना होगा और कुछ विशेष नियम और एक छोटी सी साधना जिसे आपको अपने घर पर करना होगा। इसके बाद बस आप देखेंगे कि चम का घटित होने शुरू हो जाएंगे। अगले ही दिन से आपके जीवन में बदलाव की एक बड़ी लहर आ जाएगी। इस उपाय का लाभ आपको तुरंत देखने के लिए मिल जाएगा, इंतजार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब ध्यान से सुनो, आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह गोचर हो चुका है और दो ग्रहों की एक ऐसी युति बन चुकी है जिसने नारायण लक्ष्मी योग का निर्माण कर दिया है और यह योग कोई साधारण योग नहीं बल्कि विशेष राज्य योग का निर्माण कर रहा है। और ऐसे में यदि आपने इस एक छोटी सी वस्तु को मंदिर के दान पात्र में डाल दिया और एक छोटी सी विशेष साधना कर ली तो बस स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी हर एक मनोकामना को पूरी अवश्य ही कर देंगे। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और अब इसका बिल्कुल सटीक समय है जब इस उपाय को आपको कर ही देना चाहिए। जी हां बंधुओं, तो अब आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं, कौन सी है वह चीज, कौन सी है वह साधना और कौन से हैं वे दो ग्रह जो इस विशेष राज्य योग का निर्माण कर रहे हैं और आपको इसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त होगा, क्या सावधानियां रहेंगी। तो ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब देने का समय आ गया है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बस ठंडे दिमाग से इस वीडियो को अंत तक देखें। आपके जीवन को बदलने का अब समय आ चुका है, कष्टों से मुक्ति का अब समय नजदीक है। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें क्योंकि उन्हीं की दया और कृपा से जीवन में शुभ समय आता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिखिए, जय मां भद्रकाली। कृपा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना, माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद कर चुकी हैं, इसीलिए यह शुभ समय आपके जीवन काल में आया है। इसी के साथ साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, फिर आपके जीवन का हर एक कष्ट हमारा और माता रानी के परिवार का होगा और इसकी मुक्ति का भार माता रानी के स्वयं के कंधों पर होगा। तो ऐसे में आपको जल्दी से जल्दी यह कार्य करना है, माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब ध्यान से सुने, यह जो जुलाई का महीना है यह आपके जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर आने वाला है। इस महीने में कई ऐसी विशेष बातें हैं जो आपको बहुत बड़े लाभ दे सकती हैं। यदि आप इन सही समय और काल का ठीक से ज्ञान रखते हुए कुछ विशेष उपाय करते चले जाएं, अब प्रयास तो आपको करना ही होगा, बिना किसी प्रयास के कामयाबी और खुशियां स्वयं आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे। याद रखना कि यह कलयुग कर्म प्रधान युग है, यहां आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। सात्विक कर्म और उपाय करेंगे तो सात्विक परिणाम आपको प्राप्त होंगे, भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में स्पष्ट लिख रखा है,
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सु तस फल चा, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे, तो क्यों ना सातव कर्म किए जाए और जीवन में लगातार प्रयास करते रहे और ऊर्जाओं को सकारात्मक बनाने के लिए कुछ विशेष साथ का उपाय भी करते रहे। इससे जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जुलाई के महीने में कौन सी है वे खास बातें। तो सबसे पहली बात कि शनि इस पूरे जुलाई के महीने में बकरी चाल चल रहे हैं, यानी कि शनि देव हैं, कर्म के देवता, और आप सकारात्मक कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपको उसका 100% फल प्राप्त होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता है। दूसरा कि इस जुलाई के विशेष महीने में ही अंत में सावन के महीने की शुरुआत भी हो रही है, जो 22 तारीख को होगा, यानी कि सावन के महीने का पहला सोमवार। ठीक इसी प्रकार 17 जुलाई को देवसैनी या फिर आषाढ़ी एकादशी भी है, जिसमें कि स्वयं नारायण योग निद्रा में जाएंगे 4 महीनों के लिए, और भोले बाबा इस संसार को चलाने का कार्यभार अपने हाथों में ले लेंगे। यानी कि यह बहुत ही पवित्र और बेहद ही बड़ा एक आध्यात्मिक अवसर है। अब ऐसे में आप क्या लाभ ले सकते हैं? ऐसे में आप नियमित पूजा पाठ करें, भगवान के जिस भी स्वरूप में आपकी आस्था और विश्वास है, आप सच्चे मन से उनकी पूजा पाठ आराधना करें, साथ ही साथ भोले बाबा को जल भी समर्पित करते रहे, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी पूजा 100% सफल हो जाएगी, क्योंकि शनि देव तो हैं ही आपकी पूजा पाठ का पूरा फल आपको देने के लिए, क्योंकि वे कर्म के देवता हैं। आपने पूजा का कर्म किया तो आपको पूरा फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार कुछ जरूरी गुप्त उपाय भी होते हैं। हम पूजा पाठ तो करते ही हैं, मंदिर तो जाते ही हैं, भगवान का भजन और उनके लिए तरह तरह की विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते ही हैं, लेकिन यदि हम कुछ जरूरी और बहुत ही शक्तिशाली उपाय होते हैं उन्हें भी अपने जीवन में शामिल कर लें और पूजा पाठ का हिस्सा बना लें, तो हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ जाते हैं। और यह जो जुलाई का महीना है, इस महीने में अब जो समय चल रहा है, यानी कि इन दो ग्रहों की युति बन चुकी है जो कि आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में इस उपाय का पूरा फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपके जीवन के लिए यह बिल्कुल उसी सजीवन बूटी के समान होगा जो स्वयं हनुमान जी हिमालय पर्वत से लेकर आए थे। और यह सजीवन बूटी यानी यह उपाय आपके जीवन से हर एक कष्ट को चुन चुन कर समाप्त कर देगा और आपके जीवन को खुशियों से पूर्ण रूप से भर देगा। जी हां मित्रों, इसीलिए हम कह रहे हैं कि यह जुलाई का महीना आपके जीवन के लिए बहुत ही खास है और बहुत बड़े बदलाव लाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, बस जरूरत है तो आपको समय के अनुसार चीजों को समझने की। तो अब जबकि हम जुलाई के इस विशेष महीने का पूरा महत्व समझ चुके हैं, तो अब हमें जानना है कि जो योग बन चुका है, यानी कि आपके जीवन में जो नारायण लक्ष्मी राज योग का निर्माण हो चुका है, यह किन ग्रहों की वजह से हो रहा है। फिर हम आपको उस एक चीज के विषय में बताएंगे, तब आपको सारी बातें अच्छी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी और आपको इस बात का महत्व भी पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि पहले से ही आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे थे, उन्हीं के साथ साथ अब शुक्र का भी गोचर हो रहा है, यानी बुध और शुक्र की विशेष युति जब बनती है तो उससे निर्माण होता है नारायण लक्ष्मी राज योग का। और यह राज योग जातक को कई प्रकार के लाभ देने वाला होता है। सबसे पहला लाभ तो रुपए पैसे की तंगी को दूर करना है, दूसरा किसी भी प्रकार का कर्जा हो वह समाप्त हो जाता है, और तीसरा परिवार में आपसी प्रेम बढ़ जाता है, और चौथा और सबसे बड़ा लाभ कि जातक को मानसिक शांति प्राप्त होती है, सच्चा प्रेम मिल जाता है और जीवन साथी से आपसी संबंध बहुत ही मधुर हो जाते हैं, प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। जैसा कि आपने भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के बीच देखा होगा कितना मधुर और प्रेम संबंध है, बिल्कुल वैसा ही प्रेम पूर्ण वातावरण आपके और आपके जीवन साथी के बीच उत्पन्न हो जाता है। जी हां बंधुओं, तो यह तो था इस विशेष ग्रह योग का महत्व। अब यह आपको पूर्ण लाभ तो देने वाला है, लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई रुकावट है, नकारात्मकता है आपके जीवन में, तो हो सकता है कि इसका लाभ आपको प्राप्त हो ही ना, और कब यह योग बनकर आपके जीवन से गुजर जाएगा आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। जी हां मित्रों, आज के समय में हो ही यही रहा है कि लोग कर तो बहुत कुछ रहे हैं
लेकिन उनके जीवन में इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि नकारात्मकता बहुत अधिक घनीभूत हो चुकी है। उनके जीवन में हर बात में नेगेटिविटी उनके जीवन में भर चुकी है। कोई भी काम उनके जीवन में होगा तो पहले उसकी नकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि बहुत अधिक मेहनत और घिसाई होगी, उसके बाद जरा सा उसका फल प्राप्त होगा। यह नकारात्मकता की वजह से ही होता है। तो अब आप समझिए कि जब तक कि आप इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, कोई भी उपाय, कोई भी ग्रह योग आपको विशेष लाभ पहुंचा नहीं पाएगा। इसी वजह से लोग अक्सर यह शिकायतें करते पाए जाते हैं कि गुरुजी आपने उपाय बताया लेकिन इसका हमारे जीवन पर कोई लाभ नहीं हुआ। वहीं दूसरा इंसान यह कहता है कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया उसने तो हमारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार कर दिए। हमारा लाखों का कर्जा समाप्त हो गया, हमें सच्चा प्रेम मिला, परिवार में सुख और शांति आई और धन दौलत की बरसात होने लगी। तो ऐसा क्यों होता है? एक को विशेष लाभ मिला और दूसरे को इसका कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि उपाय तो वही था, उसकी शक्ति भी उतनी ही थी, लेकिन जिसके जीवन में ज्यादा नकारात्मकता है उसके जीवन में इस उपाय ने कोई भी कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि एक बहुत बड़ी रुकावट नकारात्मकता की होती है। तो इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त कर पाना बहुत अधिक आवश्यक है, वरना हमारे द्वारा क्या दुनिया की किसी भी ताकत के द्वारा कोई भी उपाय करवा दिया जाए, आपको इसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो अब कैसे आपको इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करनी है और आपके जीवन में नकारात्मकता है या नहीं है, यह आपको कैसे पता चलेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद आपको हम इस विशेष उपाय के बारे में बताएंगे और इसके सारे नियम और विधान के बारे में बताएंगे। तो आगे आपको वीडियो में जो बताने जा रहे हैं वह बहुत ही आवश्यक जानकारी है। ठंडे दिमाग से इन बातों को आपको ध्यान से समझना होगा। मित्रों, जो नकारात्मकता होती है वह दो प्रकार से आपको प्रभावित करती है। पहला, कि आपके घर परिवार और आपके आसपास के वातावरण में नकारात्मकता का वास है। इसका प्रमाण यह है कि आपके आपस में जो रिश्ते नाते हैं उनमें खींचतान रहती है, जरा जरा सी बात पर बहस होने लगती है, विवाद होने लगता है, आपस में मन मुटाव रहते हैं। रिश्ते चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनमें खींचतान मची रहती है। यह सब नकारात्मकता की वजह से है। कुछ लोगों का हाल तो यह है कि जब तक घर से बाहर रहते हैं तब तक तो मन अच्छा रहता है, लेकिन घर में अंदर आते ही मन खराब हो जाता है, किसी ना किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और जीवन में खींचतान का माहौल बन जाता है। यह परिवार की और आसपास की नकारात्मकता का सूचक है। अब आपके अंदर जो नकारात्मकता है उसका प्रमाण क्या है तो उसे भी समझिए। संकेत बता रहे हैं आपको, आपके मन में हर वक्त हर एक बात के लिए नकारात्मक विचारों का आना। आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं, पहले आपके मन में यह आएगा कि यह बनेगा कि नहीं बनेगा। आप जब सोएंगे तो आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, नकारात्मक विचारों से आपका मन भरा रहेगा। आप किसी एक बात को लेकर इतना सोचेंगे कि आप उस बात की वजह से सो भी नहीं पाएंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी। किसी के द्वारा कही गई छोटी छोटी बातें भी आपको बहुत अधिक प्रभावित करेंगी, आपका दिल टूट जाएगा और आप बहुत ज्यादा विचारों में चिंताओं से ग्रस्त बने रहेंगे। लेकिन इन सबसे बढ़कर आपको किसी ना किसी एक बात का भय, डर हमेशा लगा रहेगा। आप अंदर ही अंदर घटते रहे अंगे और बाहर से आप भले ही शांत दिखाई दे रहे हो, लेकिन अंदर आपके मन में घमासान मचा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस भी कार्य को करने चलेंगे उस कार्य में बहुत रुकावटें आएंगी, बनने वाला काम भी आपके पहुंचते ही बिगड़ने लगेगा। आप किसी भी कार्य को करेंगे तो पहले उसमें बहुत अधिक मेहनत होगी, बहुत ज्यादा घिसाई होगी, उसके बाद आपको जरा से परिणाम प्राप्त होंगे, थोड़ा सा आपको फल मिलेगा। वहीं आप देखेंगे कि दूसरे उसी काम को बड़ी आसानी से कर रहे हैं और वहां से खूब लाभ कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, लेकिन आप वहां लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं और आपकी हालत खराब हो रही है। यह आपके अंदर यानी आपके मन में बसी हुई नकारात्मकता का प्रमाण है। अब यह दोनों प्रकार की नकारात्मकता, यानी आपके घर परिवार में बसी और आपके मन में बसी हुई नकारात्मकता, दोनों को बाहर निकालने के उपाय ध्यान से समझिए। सबसे पहला कार्य, आपको अपने घर में जो पोंछा लगाते हैं
उस पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें, समुद्री नमक, उसके बाद घर में पोंछा लगवाएं। दूसरा कि रोज शाम के समय यानी कि सूर्यास्त होने के बाद आपको एक कार्य करना है कि भीम सैनी कपूर लेना है थोड़ा सा, और एक लौंग का जोड़ा लेना है। अब इस लौंग के जोड़े को लेकर आपको अपने घर के चारों कोनों में और बीच में यानी ब्रह्म स्थान में जाना है। चारों तरफ घर में लेकर इस लौंग के जोड़े को मुट्ठी में बंद करके लेकर घूमना है, और उसके बाद आपको इस लौंग के जोड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाकर भीम सैनी कपूर के ऊपर रखकर जला देना है। जी हां मित्रों, इस तरह आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। इसी के साथ साथ हर शनिवार और मंगलवार के दिन एक छोटी सी कटोरी लेनी है, और उस कटोरी में थोड़ा सा कपूर, थोड़ा सा लोहवान और थोड़ी सी गुग्गल रखकर आपको जला देनी है। जैसे जैसे इसका धुआं आपके घर में फैले, नकारात्मकता बाहर निकलती चली जाएगी। यह तो आपके परिवार में और घर में बसी नकारात्मकता को बाहर निकालने के उपाय है। अब आपको स्वयं के ऊपर से नकारात्मकता को हटाना है। इसका भी एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, इसे आप ध्यान से सुनिए। तो आपको एक रुई की बाती बना लेनी है। लंबी बाती आप बनाएं और उस बाती को सरसों के तेल से डुबा दें। उसके बाद उस बाती को आप अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाना है। आप घर के किसी अन्य सदस्य से कह सकते हैं कि वह आपके सिर से लेकर पैर तक 7 बार घुमाएगा, और उसे यह बाती घड़ी की दिशा में घुमानी है। जी हां मित्रों, घड़ी की दिशा में इस बाती को घुमाना है यानी क्लॉकवाइज, और जब आखिरी चक्कर लगाए तो इस बाती को आपके पैर के नाखून और आपके माथे से छुआते हुए गुजारना है 7वां चक्कर। इसके बाद इस बाती को ले जाकर अपने घर के बाहर यानी कि सड़क पर रखकर जला देना है। अब आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, यह सारी नकारात्मकता इस बाती के अंदर जा चुकी है, और आप देखेंगे कि यदि आपको लगता है कि आपके बनते काम बिगड़ते हैं, नकारात्मकता बहुत अधिक है, तो यह बाती जब जलेगी तो बहुत तेज फड़फड़ाएगी, और यह बाती का फड़फड़ाना प्रमाण होगा कि नकारात्मकता आपके ऊपर हावी है, और धीरे धीरे यह नकारात्मकता समाप्त होती चली जाएगी। आप इस उपाय को लगातार करें, कम से कम 7 दिनों तक। 7वें दिन यानी कि 2-3 दिन तक बाती बहुत फड़फड़ाएगी, उसके बाद फड़फड़ाने बंद हो जाएगी यानी नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब आप तैयार हैं किसी भी उपाय को करने के लिए। ये सावधानियां और क्रियाएं आपको करनी बहुत आवश्यक है, वरना बाद में आप मत कहना कि गुरुजी आपने जो उपाय बताया उसका हमारे ऊपर कोई विशेष प्रभाव हुआ नहीं। इन उपायों को करने के बाद अब उस मुख्य उपाय की ओर चलते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको चाहिए एक एकाक्षी नारियल, लाल रंग का सिंदूर और गाय का शुद्ध घी, और इसी के साथ साथ आपको चाहिए पीले रंग के कागज का एक चौकोर टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं, और लाल रंग की एक पेन। जी हां मित्रों, इतनी चीजें आपको चाहिए। बाकी पूजा पाठ का जो सामान्य सा साधन है, चीजें हैं, वे तो आपके घर में मौजूद हैं ही। अब आप इस उपाय को किन दिनों पर कर सकते हैं, ध्यान से सुने। सबसे उत्तम है गुरुवार के दिन करें, फिर आप शुक्रवार को करें, या शनिवार को करें, या फिर सोमवार को करें। इन 4 में से किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। यह उपाय एकाक्षी नारियल पर ही आधारित है। एकाक्षी नारियल कोई साधारण ना नहीं है, यह बहुत ही विशेष है, और स्वयं माता लक्ष्मी और नारायण का शुद्ध स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में एकाक्षी नारियल स्थापित होता है, उस घर में हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास होता है। स्वयं नारायण भगवान के साथ, और याद रखना कि जिस घर में केवल माता लक्ष्मी की स्थापना है, फोटो है, प्रतिमा है, और नारायण भगवान उनके साथ नहीं है, तो उस घर से माता लक्ष्मी कभी भी किसी भी वक्त चली जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी को चंचला स्वरूपिणी माना जाता है, यानी चंचल स्वभाव है उनका। लेकिन जब नारायण के साथ वो विराजमान होती हैं, तो उनका चंचल स्वरूप शांत स्वरूप हो जाता है, और वे उन्हीं के साथ वहां स्थापित रहती हैं। इसीलिए एकाक्षी नारियल का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि यह न केवल माता लक्ष्मी बल्कि स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप माना जाता है। तो अब आप यहां पर समझ गए सारी बातें। अब आपको क्या करना है और कैसे करना है, इसे आप ध्यान से समझिए। शाम के समय आपको इस कागज के टुकड़े को लेकर किसी भी मंदिर में चले जाना है। वैसे यदि भगवान श्री कृष्ण का या फिर माता लक्ष्मी नारायण का
या हनुमान जी का मंदिर है तो सर्वोत्तम है। आप इन मंदिरों में जाएं और आपको करना क्या है कि इस कागज के टुकड़े पर लाल सिंदूर से, यानी जो पीला कागज का टुकड़ा लिया है उस पर लाल सिंदूर से आपको श्रीम लिखना है। श्रीम यानी यह माता लक्ष्मी का नाम है, आपको श्रीम लिखना है और उसके बाद इस कागज के टुकड़े पर दूसरी तरफ 7 बार लिखना है। इस विशेष मंत्र को, इसी मंत्र का आपको जाप भी करना है अपने पूजा घर में उस एकाक्षी नारियल की पूजा के समय। तो यह मंत्र बहुत ही खास है, इसे आप नोट कर ले। मोबाइल की स्क्रीन पर भी आपको यह मंत्र दिखाई देगा, ध्यान से सुने। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम लीम क्रीम एम महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारी के सर्व सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नारकेलाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 7 बार उस कागज के दूसरी तरफ लिखना है। अब जिस तरफ से आपने श्री लिखा है उस तरफ से उस कागज को फोल्ड कर देना है, यानी मोड़ लेना है और उस कागज को एक कागज के नोट में लपेट देना है। अंदर कागज के नोट में अंदर उसे लपेट देना है, वह दिखाई ना दे, और चुपचाप आप इसे मंदिर के दान पात्र में डाल देना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। अब ऐसा क्यों करना है यह आप समझिए। दान पात्र एक ऐसा स्थान है जहां रुपए पैसे एकत्रित किए जाते हैं, यानी कि वह किसी भी मंदिर में माता लक्ष्मी का स्थान माना जाता है, इसीलिए वह पूजनीय है और उसका भी मंदिर में पूजन किया जाता है। अब माता लक्ष्मी का यह विशेष स्थान है, तो इस स्थान पर जब आपने इस मंत्र को लिखा तो असल में आपने माता लक्ष्मी के दरबार में भगवान के सामने अपनी अर्जी लगा दी है। अब आप इस नारियल का जब घर पर पूजन करेंगे तब माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा नारायण भगवान के साथ आपके घर में अवश्य आएगी ही आएगी। जी हाँ मित्रों, यह अर्जी लगाने का एक तरीका होता है। जब भी हम किसी भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं तो पहले अर्जी अवश्य लगाते हैं। जैसे हम किसी तीर्थ स्थान पर जब जाते हैं तो पहले एक कामना करते हैं और उस तीर्थ स्थान के नाम से एक नारियल अपने पूजा घर में रखते हैं, वह उस तीर्थ स्थान के नाम की अर्जी होती है। यही होता है किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने का और भगवत दर्शन करने का सही तरीका। अब आजकल तो लोग ये भूल चुके हैं, ऐसे ही किसी दिन अपना टिकट कराया और सामान पैक किया और पहुंच गए तीर्थ स्थानों पर। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल लोगों के अंदर जैसे भावनाएं कम हो गई हैं, वैसे ही भगवान के अंदर भी भक्तों के प्रति प्रेम कम हो गया है। तो चाहे कितने ही तीर्थ यात्राएं कराओ, काम कुछ भी नहीं बनता है, उल्टा तीर्थ स्थानों पर कष्ट और परेशानियां ही देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, क्योंकि सही रिश्ता भगवान के साथ कैसे बनाना है ये लोग भूल चुके हैं। तो अब आप समझे कि कैसे आपको अर्जी लगानी है, अब आपको अपने घर पर क्या करना है, इसे आप ध्यान से सुनिए। मंदिर में आपको अपनी अर्जी लगानी है भगवान का, जिस भी स्वरूप में मंदिर में स्थापना है उनकी पूजा पाठ अवश्य करनी है। केवल इतना सा कार्य करके वापस नहीं आना है। जैसे हनुमान जी मंदिर गए हैं तो वहां 40 पाठ वगैरह अवश्य करें, उसके बाद आप इस क्रिया को करें, उसके बाद वहां से वापस आ जाएं। अब आप अपने घर पर आ चुके हैं तो अब आपको क्या करना है कि जो एकाक्षी नारियल आप बाजार से लेकर आए थे उसके ऊपर गंगा जल छिड़क उसे शुद्ध साफ पानी से धोकर स्वच्छ करें और उसके बाद गाय के घी और लाल सिंदूर से एक लेप तैयार करें और इस लेप को उस नारियल पर अच्छी तरह से लगा दें, पूरे नारियल को उस लेप से ढक दें। जी हां मित्रों, लेकिन नारियल पर बनी हुई आंख को आपको नहीं ढकना है, उसे खुली रखना है। बाकी पूरे नारियल को आपको इस लेप से चारों तरफ से अच्छी तरह से ढक देना है और उसके बाद लाल रंग का रेशमी वस्त्र आपको उस नारियल के आसपास लपेटना है और उसके बाद लाल धागे से उस नारियल के ऊपर लपेट देना है, यानी उस वस्त्र के ऊपर आपको लाल धागा चला देना है और उस धागे को आपको 7 बार लपेटना है। बस यह नारियल आपका तैयार हो चुका है। माता लक्ष्मी लमी का आवाहन करने के बाद, यानी कि बस यह नारियल आपका तैयार हो चुका है, माता लक्ष्मी का स्वरूप बन चुका है, अब आपको इसे अपने पूजा घर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर देना है। याद रखें कि नारियल को स्थापित करने के लिए जल कलश का प्रयोग करें। एक कलश ले, उसमें जल भरें और उसके ऊपर कोई पात्र रखें और उस पात्र में थोड़ा सा अन्न रखें, यानी गेहूं रख ले, और उसके ऊपर आप उस नारियल को स्थापित करें।
यह संपूर्ण विधि है। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का सच्चे मन से आवाहन करें, और आवाहन करने के बाद आप माता रानी पर लाल पुष्प अर्पित करें, लाल रंग का प्रसाद अर्पित करें, और उसके बाद तुलसी या लाल चंदन की माला से इस विशेष मंत्र का एक माला जाप करें अगर हो सके, और आपके पास समय है और मेहनत करने को तैयार है और पूरा लाभ इस उपाय का लेना चाहते हैं तो 11 माला जाप करें, और नहीं हो सकता है तो एक माला जाप से भी प्रभाव तो पड़ ही जाएगा। मंत्र वही है जो हमने अभी बताया था, उस मंत्र का ही आपको जाप करना है। अब हम बोलकर बता देते हैं, आप उसे नोट कर ही चुके होंगे। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम महालक्ष्मी स्वरूपाय एकाक्षी नार केलाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। बस इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है, हो सके तो 11 माला कर लें, सर्वोत्तम रहेगा। उसके बाद आप इस नारियल को अपने पूजा घर में ही रखा छोड़ दें, और अगले 4 महीनों तक, जब तक कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में क्षीर सागर में जाएंगे, तब तक आप इस नारियल को पूजते रहें नित्य। इस नारियल का माता लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप मानकर पूजन करें, और इसके नाम से एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाते रहे। बस इतना सा कार्य आपको करना है। आप इस क्रिया को जैसे ही करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में अगले ही दिन से इसके प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपके सौभाग्य की जागृति हो चुकी है, आपकी किस्मत चमक उठी है। जी हां मित्रों, लेकिन सारे नियम और विधि विधान आपको मानने होंगे, नकारात्मकता को भी हटाना ही होगा, तभी आप इस उपाय को करेंगे तो यह उपाय सिद्ध होगा। अब नकारात्मकता को हटाने की क्रिया लगातार आपकी चलती रहेगी, और आप पहले ही दिन से, यानी पहले दिन नकारात्मकता हटाने के उपाय किए, उसके बाद आप इस उपाय को करें, और नकारात्मकता हटाने वाली उपाय जो क्रियाएं हैं वे भी 7 दिनों तक लगातार चलती रहेंगी। और यह जो आपने माता रानी के नाम से नारियल स्थापित किया है, इसका पूजन भी लगातार चलता रहेगा, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। नकारात्मकता हटाने की जो उपाय क्रियाएं हमने बताई हैं, वे तो आपको हर वक्त आजमाते रहनी ही चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता एक ऐसा बिन बुलाया मेहमान है जो जबरदस्ती आपके घर में, आपके जीवन में घुस ही आएगा। आप चाहे इसे बुलाएं या ना बुलाएं, तो आप इससे मुक्ति पाने के उपाय तो हर वक्त करते ही रहें, यह आपके लिए सबसे बड़ी हमारी सलाह है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आप पूरे विधि विधान से जानकारी का प्रयोग करिए, और अपने जीवन को खुद ही अपने हाथों से भगवत कृपा के साथ बदल डालिए, जैसे कि सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने जीवन को बदला है। इसी के साथ साथ पूरी भक्ति भाव से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही साथ जय मां भद्रकाली भी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी और मां भद्रकाली की आपको सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। याद रखें कि माता रानी की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरे भाव से बोलिए जय माई की जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।